नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। पटना और रांची के बीच शुरू होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल पूरा होने के बाद अब उसके नियमित परिचालन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। वहीं इन सब के बीच अब रेलवे ने वंदे भारत में सफर का किराया तय कर दिया है। बता दें, रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर करने के लिए यात्रियों को एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 1760 रुपये और चेयर कार के लिए 890 रुपये देने होंगे। इसमें कैटरिंग की राशि नहीं जोड़ी गई है। यात्री अपनी इच्छा के अनुसार खाने का ऑर्डर दे सकते हैं। इसके लिए यात्रियों को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। ट्रेन में कुल 8 कोच है। प्रत्येक कोच में 78-78 सीटें हैं। ट्रेन परिचालन को लेकर किसी तिथि की घोषणा नहीं हुई है। संभावना जताई जा रही है कि जून माह के अंतिम सप्ताह में या जुलाई में इसका परिचालन हो सकता है। पटना से राज्य के बीच 6 स्टेशनों पर इसका ठहराव होगा। इसमें बिहार के जहानाबाद, गया, झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग टाउन, बरकाकाना, मेसरा में ठहराव दिया गया है। हालांकि गया और बरकाकाना जंक्शन पर ही केवल ठहराव का समय निर्धारित है। शेष 4 स्टेशनों पर ठहराव का समय तय किया जाना है। बता दें कि बीते 12 जून को वंदे भारत का ट्रायल रन किया गया था। रांची से पटना के बीच की दूरी 378 किलोमीटर है। सोमवार को ट्रायल रन में इस दूरी को तय करने में ट्रेन को 4.25 घंटे का समय लग गया था और ट्रेन समय से 23 मिनट पहले पहुंची थी। बता दें, पटना रांची वंदे भारत के ट्रायल रन के दौरान पटना से गया के बीच ट्रेन की अधिकतम गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा रही। वहीं गया से बरकाकाना के बीच 90 किलोमीटर और बरकाकाना से रांची के बीच की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा रही। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता।